अब चलते हैं, ये है मोहब्बती की रूही यानी अदिति भाटिया के घर, जो पहली बार अपने घर पर पप्पा को लेकर आई है और वो भी अपने नए घर पर, इसलिए ये गणपति उत्सव उनके लिए बहुत खास। वैसे आज अदिति ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है और उनका ये अंदाज देखकर उनकी इशिमा तो बहुत ही खुश होंगी, लेकिन उनकी फैमिली आज एक साथ मिलकर कर रही है पप्पा का ग्रैंड वेलकम। टाइम ही नहीं मिल रहा था हम दोनों को, तो वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द न्यू हाउस। एंड जब ऐसा प्रेशर आया और जब मैंने ठान लिया था कि मुझे गणपति पापा को लाना है घर में, तो हमने फटाफट शिफ्ट करना चालू किया, तैयारियां चालू की। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम वी हैव शिफ्टेड फास्टर देन वी थॉट। एंड या इट्स सच अ पॉजिटिव स्टार्ट व्हेन ही इज होम एंड वी आर लिविंग हियर विद हिम नाउ। जी मैं फर्स्ट टाइम रख रही हूँ एंड मैं जब भी आगे रखूँगी मैं हमेशा इको फ्रेंडली रखूँगी। वाई टू स्पॉइल भगवान का ही दिया हुआ नेचर भगवान की वजह से। सो आई थिंक हमें सबको इको फ्रेंडली गणपति रखने चाहिए। बट मेरे जो गणपति है वो कहीं जाने नहीं वाले, वो यहीं पे मेरे साथ रहने वाले हैं। बिकॉज मेरे गणपति जो है वो मिट्टी के बने हुए हैं, जो इसी पॉट में समा जाएंगे। जो नीचे आप देख रहे हैं ये पॉट है, इसके अंदर मिट्टी है और इसके इनके ऊपर हम पानी डालेंगे और ऐसे इनका विसर्जन हो जाएगा और ये प्लांट बन के हमेशा यहीं पर रहेंगे। बस थैंक यू बोलना चाहूँगी पापा को और बस यही बोलना चाहूँगी कि आगे भी ऐसा ही सब रखें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे खुश रखें और सबको खुश रखें, मेरे आसपास वालों को सबको खुश रखें।